स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू लेक्चर 2, यूनिट 2. ओके, कल हमने डिस्कस किया था यूनिट 2 के लेक्चर 1 को. आज हम यूनिट 2 का लेक्चर 2 डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, द टॉपिक इज वाउचिंग. अब सबसे पहले हम बात करें कि इस लेक्चर से रिलेटेड हमारा इस यूनिट में कौन सा क्वेश्चन बन रहा है. तो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वाउचिंग? वाउचिंग से आप क्या समझते हैं? ठीक है, वाउचिंग क्या होती है? देखिए, वाउचिंग को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है कल. जैसे कि हमने लेक्चर शेड्यूल भी आपके साथ डिस्कस किया था, तो हमने बताया था, एक में तो हमने पढ़ा था कि वाउचिंग क्या है, जो कि हमारा लेक्चर 2 है. लेक्चर 3 में हमने क्या किया था कि वाउचिंग ऑफ कैश ट्रांजेक्शन्स का भी डिस्कशन हम करेंगे अपने लेक्चर 3 में. तो आज हम वाउचिंग की अगर बात करें, वाउचिंग क्या होती है, तो देखिए, हम सिंपली एक बार ओवरव्यू देती हूँ मैं कि वाउचिंग क्या है, ताकि आपको समझने में इजी रहे. तो देखिए, वाउचिंग के लिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए गए हैं कि वाउचिंग इज द एसेंस ऑफ ऑडिटिंग. वाउचिंग को ऑडिटिंग की एसेंस कहा गया है. वाउचिंग, ठीक है, एसेंस यानी ऑडिट करने के लिए वाउचिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी ऑडिटिंग का सारा सार वाउचिंग को कहा गया है. एक स्टेटमेंट और हमारा फेमस है कि वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग. जो आपकी वाउचिंग है, वाउचिंग को हम कहते हैं कि ये ऑडिटिंग की बैकबोन है. बैकबोन है तो ये भी, यानी सारा ऑडिटिंग का काम वाउचिंग पे ही होता है. ठीक है, अब दिया हुआ है, बात करते हैं. देखिए, वाउचिंग का क्या मतलब होता है? सिंपली वाउचिंग का मतलब होता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन. ठीक है, किसी भी चीज का क्रॉस एग्जामिनेशन जब आप करते हैं तो उसे कहते हैं वाउचिंग. ठीक है, ऑडिट का मतलब होता है एग्जामिनेशन करना, और वाउचिंग का मतलब होता है क्रॉस एग्जामिनेशन करना. ठीक है, आप क्रॉस एग्जामिनेशन विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जब आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की हेल्प से क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वाउचिंग. ठीक है, दिया है, वाउचिंग इज अ टेक्निकल टर्म विच रिफर्स टू इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सपोर्टिंग एंड सब्सटेंटिंग अ ट्रांजेक्शन बाई एन ऑडिटर. इट इज द एसेंस ऑफ ऑडिटिंग. देखिए, ये कह रहे हैं कि वाउचिंग एक टेक्निकल टर्म है जो कि रिफर्स करता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के इंस्पेक्शन से. ठीक है, ये सपोर्ट्स करते हैं ट्रांजेक्शंस को, और ये वाउचिंग का काम किसके थ्रू किया जाता है? ये ऑडिटर के थ्रू किया जाता है. इट इज द एसेंस ऑफ ऑडिटिंग. इसे हम क्या कहते हैं कि ये ऑडिटिंग की एसेंस भी है. इट इज द प्रैक्टिस फॉलोड इन एन ऑडिट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टैब्लिशिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ये कह रहे हैं कि ये एक प्रैक्टिस है जो कि फॉलो करती है ऑडिट को. ठीक है, विद द ऑब्जेक्टिव, इस ऑब्जेक्टिव से कि ये एस्टैब्लिश करेगी ट्रांजेक्शंस की ऑथेंटिसिटी को. ठीक है, ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है करेक्टनेस, यानी ये क्या करेगी, ट्रांजेक्शंस की ऑथेंटिसिटी को एस्टैब्लिश करती है, जो कि रिकॉर्ड, जो भी ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड किए गए हैं प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट में. ठीक है, इट एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ वेरीफाइंग अ ट्रांजेक्शन. ये एसेंशियली कंसिस्ट करती है कि ये वेरीफाई करे ट्रांजेक्शंस को जो कि रिकॉर्ड किए गए हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में विद द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ एंड द अथॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ विच. देखिए, अथॉरिटी के बेसिस पे जो कि एंट्री मेड की गई, जो भी एंट्री बनाई गई है बुक्स ऑफ अकाउंट में. वाउचिंग डज नॉट इंक्लूड वैल्यूएशन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि वाउचिंग में हम वैल्यूएशन को इंक्लूड नहीं करते हैं. वाउचिंग कैन बी डिस्क्राइब एज द एसेंस और बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग. वाउचिंग को हम क्या कहते हैं कि वाउचिंग जो है आपकी, वो एसेंस और बैकबोन है ऑडिटिंग की. आफ्टर एंटरिंग इन ऑल वाउचर्स ओनली देन कैन ऑडिटिंग स्टार्ट. जब हम सभी वाउचर्स को एंटर कर देते हैं, ठीक है, वाउचर्स का मतलब होता है कि कोई भी रिसिप्ट, बिल, इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, इन सभी को हम वाउचर्स कहते हैं. तो जब हम इसको एंटर कर देते हैं, तभी हम ऑडिट को स्टार्ट कर सकते हैं. वाउचिंग इज डिफाइंड एज, वाउचिंग को डिफाइन किया गया है वेरिफिकेशन ऑफ एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. वेरिफिकेशन ऑफ एंट्रीज होती है बुक्स ऑफ अकाउंट में बाय एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. ये क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को और वाउचर्स को, सच एज इनवॉइस. देखो, जो कि इनवॉइस होते हैं, डेबिट और क्रेडिट नोट्स होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, रिसिप्ट्स होती हैं. ठीक है, द ऑब्जेक्ट ऑफ, ऑब्जेक्ट क्या है वाउचिंग का,
द ऑब्जेक्ट ऑफ वाउचिंग इज टू एस्टैब्लिश दैट द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर. देखिए जो ऑब्जेक्ट होता है वाउचिंग का वो एस्टैब्लिश करता है ट्रांजेक्शंस को जो कि रिकॉर्ड किए जाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. ठीक है, पहला क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट्स क्या है, इन ऑर्डर एंड हैव बीन प्रॉपरली ऑथराइज्ड. ठीक है, इस ऑर्डर में हम प्रॉपरली ऑथराइज्ड करते हैं, आर करेक्टली रिकॉर्डेड, और इसे क्या किया जाता है, करेक्टली रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, वाउचिंग इज द एसेंस और बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग. अब ये बता रहे हैं कि वाउचिंग को एसेंस और बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग क्यों कहा गया है, बिकॉज व्हेन परफॉर्मिंग एन ऑडिट, क्यों, जब हम लोग ऑडिट परफॉर्म करते हैं, एन ऑडिटर मस्ट हैव प्रूफ ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन. जब तक वाउचिंग में क्या होता है, ऑडिटर के पास सारे प्रूफ होते हैं, इसीलिए वाउचिंग को एसेंस और बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग कहते हैं. अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वाउचर्स की, कि क्या कॉन्सेप्ट है वाउचर का, या वाउचर्स क्या होते हैं. जैसे कि अभी मैंने बताया था, जो भी आपके पास रिसिप्ट्स है, बिल्स है, इनवॉइस है, वो सभी हमारे वाउचर्स होते हैं. ठीक है, एक बार नोट्स के थ्रू पढ़ लेते हैं. दिया है, द डॉक्यूमेंट्री पीसेस ऑफ एविडेंस सच एज अ काउंटर फॉइल, कैश मेमो, रिसिप्ट एंड पे इन स्लिप यूज फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज डिफाइंड एज अ वाउचर. ठीक है, द ट्रांजेक्शन सपोज टू बी रिकॉर्डेड ओनली इफ रिलेवेंट एविडेंस आर अवेलेबल. ये कह रहे हैं डॉक्यूमेंट्री पीस ऑफ एविडेंस, अगर कोई डॉक्यूमेंट्री पीस ऑफ एविडेंस है, जैसे कि काउंटर फॉइल, कैश मेमो, रिसिप्ट, पे इन स्लिप्स, ये सभी यूज किए जाते हैं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट में, और इसे ही हम डिफाइन करते हैं एज अ वाउचर्स. द ट्रांजेक्शन सपोज टू बी रिकॉर्डेड ओनली इफ रेलेवेंट, ट्रांजेक्शन को हम तभी रिकॉर्ड करते हैं जब वो रेलेवेंट हो. एविडेंस आर अवेलेबल, अगर रेलेवेंट एविडेंस हमारे पास अवेलेबल है तभी हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ वाउचर. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वाउचर्स की, कि वाउचर्स के कितने प्रकार होते हैं. पहला है हमारा प्राइमरी वाउचर्स एंड सेकेंड इज अ कोलैटरल वाउचर. तो पहले हम प्राइमरी वाउचर्स की बात करते हैं, कि प्राइमरी वाउचर्स क्या होते हैं. द बिल्स और द डॉक्यूमेंट्स दैट आर अवेलेबल इन द ओरिजिनल कॉपी आर नोन एज अ प्राइमरी वाउचर. सभी बिल्स और डॉक्यूमेंट्स जो कि अवेलेबल होते हैं ओरिजिनल कॉपी में, उसे हम प्राइमरी वाउचर्स के, उन्हें प्राइमरी वाउचर्स के नाम से जाना जाता है. ठीक है, फिर है हमारा कोलैटरल वाउचर. दीज आर द बिल्स विच आर अवेलेबल इन डुप्लीकेट कॉपी. वो सभी बिल्स जो कि अवेलेबल होते हैं डुप्लीकेट कॉपी में, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कोलैटरल वाउचर्स कहते हैं. ठीक है, यानी अगर हमारे टू टाइप्स ऑफ वाउचर्स हैं, पहला है हमारा प्राइमरी वाउचर्स और दूसरा है हमारा कोलैटरल वाउचर्स. तो प्राइमरी वाउचर्स हमारे वो वाउचर्स होते हैं जो भी बिल्स और डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होंगे ओरिजिनल कॉपी में, ओरिजिनल कॉपी को प्राइमरी वाउचर्स कहेंगे, और जो भी हमारे पास डुप्लीकेट कॉपी होगी उसको हम क्या कहते हैं, कोलैटरल वाउचर्स. दिया है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाउचिंग, इट इज द टेक्निक यूज्ड बाय द ऑडिटर टू जज द ऑथेंटिसिटी ऑफ द एंट्रीज अपीयरिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. प्रोसीजर एंड एक्यूरेसी फॉलोड फॉर परफॉर्मिंग वाउचिंग डिसाइड द सक्सेस और फेलर ऑफ द ऑडिटिंग. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाउचिंग, देखिए जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाउचिंग की अगर हम बात करें कि क्या ऑब्जेक्टिव है वाउचिंग के, तो ये एक टेक्निक होती है जो कि ऑडिटर के थ्रू यूज की जाती है जज करने के लिए एंट्रीज की ऑथेंटिसिटी को, जो भी अपीयर की गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. प्रोसीजर एंड एक्यूरेसी फॉलोड फॉर परफॉर्मिंग वाउचिंग, प्रोसीजर और एक्यूरेसी फॉलो की जाती है परफॉर्म करने के लिए वाउचिंग, डिसाइड करती है सक्सेस और फेलर्स को ऑडिटिंग में. ठीक है, सब मेजर ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द वाउचिंग प्रोसेस आर एस फॉलो. ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं वाउचिंग प्रोसेस के बिहाइंड में. पहला है हमारा to ensure that all the transaction took place during the financial year for the business. ये ensure करता है सभी transactions को जो भी financial year के दौरान होते हैं, यानी ये ensure करता है सभी transactions को जो कि financial year के ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, यानी बिजनेस के फाइनेंशियल ईयर्स के ड्यूरिंग में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उन सभी को इंश्योर करता है.
पर्पस ओनली, नॉट फॉर पर्सनल यूज. इसका पर्पस सिर्फ पर्सनल यूज के लिए नहीं होता है. एंड आर एप्रोप्रिएटली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद ट्रू एंड फेयर एविडेंस. इसको रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रू और फेयर एविडेंस के लिए, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द टोटलिंग एंड कैरिंग फॉरवर्ड अमाउंट रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये चेक करता है एक्यूरेसी को, ठीक है, टोटलिंग एक्यूरेसी को, कैरी फॉरवर्ड करता है अमाउंट को जो भी रिकॉर्ड किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, टू इंश्योर दैट द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस हैज वेरीफाइड हिज रिकॉर्ड्स और नॉट. ये इंश्योर करता है कि पर्सन रिस्पॉन्सिबल है बिजनेस के लिए या नहीं, वेरीफाई करता है रिकॉर्ड्स को, टू मेक द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स फ्री फ्रॉम माल प्रैक्टिसेस. ये क्या करता है, इंश्योर करता है कि जितने भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड हैं उनमें कोई भी फ्रॉड और एरर नहीं है, यानी वो फ्री फ्रॉम माल प्रैक्टिसेस हैं. नेक्स्ट है टू मेक श्योर दैट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड इन अ लॉफुल मैनर. ये मेक श्योर करता है कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को प्रिपेयर किया गया है लॉफुल मैनर्स में, ठीक है. तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाउचिंग. अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाउचिंग की, कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारी वाउचिंग की. पहला है इम्पेरेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग दिया है इसमें. वाउचिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द ऑडिटिंग प्रोसीजर. इट मेक्स द ऑडिटर्स ओपिनियन मोर ऑप्टिमिस्टिक वैरायटी ऑफ ट्रांजेक्शन एमर्जिंग इन द रिकॉर्ड. वाउचिंग को एक एसेंशियल पार्ट ऑडिटिंग प्रोसीजर का कहा जाता है. ये मेक करता है ऑडिटर्स के ओपिनियन को और ज्यादा ऑप्टिमिस्ट, ठीक है, कि जो भी ट्रांजेक्शन्स और रिकॉर्ड्स किए गए हैं उनके लिए उन्हें क्या करता है, और ज्यादा ऑप्टिमिस्ट ओपिनियन देता है. फिर है बेसिस ऑफ ऑडिटिंग. बेसिस क्या है ऑडिटिंग के, वाउचिंग एक्ट एज अ बेस फॉर द फर्दर प्रोसीजर ऑफ ऑडिटिंग. जो वाउचिंग है वो एक्ट करता है एज अ बेस, वो एज अ बेस काम करता है फ्यूचर प्रोसीजर ऑफ ऑडिटिंग के लिए. ये एज्योर करता है फेयरनेस एंड एक्यूरेसी, ठीक है. ये क्या कर रहा है, ये एज्योर करता है फेयरनेस और एक्यूरेसी फॉर ऑफ द फर्दर अकाउंट्स. फर्दर अकाउंट्स के लिए मेंटेन करता है ऑडिटर के थ्रू कि वो प्रूव करे वाउचिंग को ऑफ द प्रेजेंटेड डॉक्यूमेंट शुड बी डन, कि वो प्रेजेंटेड डॉक्यूमेंट पूरे कर दिए गए हैं या नहीं. फिर है ड्राफ्टेड एविडेंस दिया है. वाउचर्स आर द रिकॉर्डेड फॉर्म ऑफ एविडेंस. वाउचर्स जो होते हैं वो हमारे रिकॉर्डेड फॉर्म होते हैं एविडेंस के, विच प्रूव्स दैट द ट्रांजेक्शंस हैव जनरली अकर्ड फॉर द बिजनेस ड्यूरिंग द करेंट फाइनेंशियल ईयर. वाउचर्स को रिकॉर्ड किया जाता है एविडेंस के फॉर्म में, जो कि प्रूव करते हैं कि ट्रांजेक्शंस को जनरली, जो ट्रांजेक्शंस है वो जनरली अकर्ड हुआ है बिजनेस में ड्यूरिंग द करेंट फाइनेंशियल ईयर. नेक्स्ट है हमारा डिस्क्लोजर ऑफ एग्जॉर्शन. डिस्क्लोजर ऑफ एग्जॉर्शन में दिया है दो वाउचर्स आर द रिकॉर्ड एविडेंस साइंड बाय द ओनर्स. इट हेल्प्स इन डिस्क्लोजिंग एनी फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन डॉक्यूमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. वाउचर्स एक रिकॉर्डेड एविडेंस होते हैं जो कि ओनर के थ्रू साइन किए जाते हैं. ये हेल्प करते हैं डिस्क्लोज करने में कि कोई भी फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. फिर है रिपोर्ट ऑन बिजनेस एक्टिविटीज ओनली. वाउचर्स हेल्प इन डिफरेंशिएटिंग द बिजनेस एंड पर्सनल ट्रांजेक्शंस ऑफ द प्रोपराइटर. ओनली द बिजनेस ट्रांजेक्शंस वाउचर विल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन बाय द ऑडिटर फॉर इवैल्यूएटिंग द करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस एंड नो पर्सनल एक्सपेंसेस वाउचर्स विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. रिपोर्ट की जाती है बिजनेस एक्टिविटीज में. वाउचर्स हेल्प करते हैं डिफरेंशिएट करने में बिजनेस और पर्सनल ट्रांजेक्शंस को प्रोपराइटर के. ओनली द बिजनेस ट्रांजेक्शन, केवल बिजनेस ट्रांजेक्शन. वाउचर विल टेकन इनटू कंसीडरेशन, वाउचर्स टेक किए जाते हैं कंसीडरेशन में, यानी वाउचर्स को कंसीडर करता है ऑडिटर के थ्रू कंसीडर किए जाते हैं इवैल्यूएट करने के लिए करेक्ट प्रॉफिट लॉस और बिजनेस को. एंड नो पर्सनल एक्सपेंसेस, और कोई भी पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं होते हैं वाउचर्स के. विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो कि रिकॉर्ड किए जाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. नो सीक्रेट ट्रांजेक्शन, कोई भी सीक्रेट ट्रांजेक्शन नहीं होता है. Vouchers help the auditor in identifying business transaction. Voucher help करता है auditors को कि वो identify करे business transactions को. Thus the owner cannot enclose any secret transaction other than business. Voucher help करता है auditor से कि वो identify करे business transactions को. Owner cannot enclose. Owner enclose नहीं कर सकता है secret transactions को other than business. Business के अलावा. Course of vouchers में दिया है the date quoted in the vouchers define that the transaction are arising
करेंटली, यानी जो भी डेट पड़ी होती है वाउचर्स में, वो इस चीज को डिफाइन कर रही होती है कि जो ट्रांजेक्शन है वो करेंटली किए गए हैं। ठीक है, ये था हमारा पूरा लेक्चर। अब हम इस लेक्चर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। 10 क्वेश्चंस हैं, इन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। इनके आंसर्स भी नीचे दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वाउचिंग इज द डैश ऑफ ऑडिटिंग। वाउचिंग इज द डैश ऑफ ऑडिटिंग, यानी वाउचिंग ऑडिटिंग की क्या है। तो मैंने इन स्टार्टिंग के आपको दो स्टेटमेंट बताए थे कि वाउचिंग इज द एसेंस ऑफ ऑडिटिंग एंड वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का सारा काम वाउचिंग पे निर्भर करता है, इसीलिए ये दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। पहला क्या है, वाउचिंग इज द एसेंस ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, ये दो हमारे फिलअप्स हो गए। देखिए नीचे इनके आंसर्स भी है, एसेंस एंड बैकबोन। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वाउचर्स आर डैश टाइप्स। वाउचर्स कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने इसी लेक्चर में पढ़ाया है कि वाउचर्स हैज टू टाइप्स। पहला हमारा कौन सा होता है, कोलैटरल, और दूसरा पहला हमारा प्राइमरी वाउचर्स एंड सेकेंड इज अ कोलैटरल वाउचर्स। ठीक है, फिर है बिल्स और द डॉक्यूमेंट्स दैट आर अवेलेबल इन द ओरिजिनल कॉपी आर नोन एज। जो भी बिल्स और डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं ओरिजिनल कॉपी में। ठीक है, अभी हमने दो प्रकार के वाउचर्स पढ़े थे, ये भी क्वेश्चन हमारा वाउचर से रिलेटेड है। ये कह रहे हैं कि जो भी बिल्स और डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं ओरिजिनल कॉपी में, उन्हें हम किस क्या कहते हैं, तो वो हमारे वाउचर्स होते हैं। कैसे वाउचर्स होते हैं, प्राइमरी वाउचर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश बिल्स विच आर अवेलेबल इन अ डुप्लीकेट कॉपी। वो बिल्स जो कि अवेलेबल होते हैं हमारी डुप्लीकेट कॉपी में, तो ये क्वेश्चन भी हमारा वाउचर से रिलेटेड है। दो वाउचर्स थे, एक हमारा प्राइमरी वाउचर्स था, एक हमारा सेकेंडरी वाउचर्स था। तो प्राइमरी वाउचर्स हमारे कौन से, जो कि ओरिजिनल कॉपी हो गए, और डुप्लीकेट वाउचर्स कौन से हैं, कोलैटरल वाउचर्स। देखिए ये आंसर्स नीचे दिए हुए हैं। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन है हमारा, डैश इज द इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। किसको इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं, तो वाउचिंग को। हमने बताया था वाउचिंग का मतलब क्या होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो वाउचिंग इज द इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। वाउचिंग मीन्स, वाउचिंग का क्या मतलब होता है, वाउचिंग का मतलब होता है क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है, वाउचिंग का क्या मतलब हुआ, क्रॉस एग्जामिनेशन करना किसी भी चीज का। देखिए आंसर दिया हुआ है। फिर एट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है वाउचिंग इज डैश एविडेंस। वाउचिंग हमारा कैसा एविडेंस है, तो वाउचिंग को हम क्या कहते हैं, वाउचिंग इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। वाउचिंग क्या है हमारा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाउचिंग डज नॉट इंक्लूड। वाउचिंग क्या नहीं इंक्लूड करता है, तो वाउचिंग डज नॉट इंक्लूड वैल्यूएशन। वाउचिंग क्या नहीं इंक्लूड करता है, वैल्यूएशन। ये देखिए आंसर दिया है। ठीक है, टेंथ क्वेश्चन है, डैश इंश्योर्स दैट ऑल द ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द बिजनेस। ये इंश्योर करता है कि सभी ट्रांजेक्शन दे दिए गए हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल, यानी सभी ट्रांजेक्शन देख लिए गए हैं कि वो फाइनेंशियल ईयर ऑफ द बिजनेस से ही रिलेटेड है। ये किस में होता है, वाउचिंग। तो क्या होगा, वाउचिंग इंश्योर दैट ऑल द ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो ये हमारे टोटल 10 क्वेश्चन हो गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। आज हमने अपना ये लेक्चर 2 भी खत्म कर लिया है, कल हम लेक्चर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।